हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। और गैस, हम लोग हमारे 150 के सब्सक्राइबर के काफी करीब है, और 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम लोग हमारे Q&A वीडियो लाएंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो आज का पहला न्यूज है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो 31 दिसंबर को जो उनका गिवअवे होने वाला है, उसमें अब वो एक मोबाइल नहीं बल्कि दो मोबाइल का गिवअवे करेंगे। और इसके बारे में खुद ज्ञान गेमिंग ने अपने स्ट्रीम में बताया। तो इसके ऊपर ज्ञान गेमिंग ने और क्या कहा, देख लीजिए। गाइस, आप लोगों को दिसंबर 31 को, आप लोग बताएं, मैं दो महीने से बोल रहा हूँ, दिसंबर 31 को गाइस जो फोन गिवअवे, वो एक नहीं होगा गाइस, ओके। और फिर दो फोन गिवअवे होने वाली है 31 को। मैं बोला था एक फोन, मगर नहीं गाइस, अब एक फोन नहीं, दो फोन की होने वाली है। क्योंकि यार डिस्कॉर्ड के तरफ से गाइस एक्चुअली आप लोगों को ज्यादा कंप्लीट कर दिया, इसलिए सब दो फोन की होने वाली है, ओके गाइस। एक तो मेरी तरफ से और दूसरा मेरी तरफ से। हमारा अगला न्यूज़ है टू सेट गेमर्स के बारे में। तो इन दिनों वो अपने स्ट्रीम के चैट मैसेज को ज्यादा नहीं पढ़ते और इग्नोर ही करते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल चैट में कुछ लोग काफी बेकार बातों को स्पैम करता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, और ये सब बातें बस लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो इसके ऊपर टू सेट गेमर्स ने क्या कहा, देख लीजिए। You are never gonna see chat. भाई मैं चैट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, बट जो मेरे को लगता है सेंसिबल चैट है, मैं उसी को रिप्लाई देता हूँ और उसी का मतलब पढ़ के सुनाता हूँ। बाकी जो वेस्ट है उसको क्या ही पढ़े भाई। भाई इग्नोर चैट, चैट इग्नोर ही करेंगे ना भाई, चैट में कुछ सेंस ही नहीं होता। जिस दिन चैट सेंस वाली रहेगी उस दिन हम चैट पढ़ेंगे। अगला न्यूज है क्रिटिकल एक्स के बारे में। तो सीरेक्स के तरफ से सभी स्टेट टीम्स के लिए काफी अच्छी खबर है। तो खबर यह है कि अब से सीरेक्स में स्टेट वॉरफेयर टूर्नामेंट में भी प्राइस पूल रखा जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हुए रोकी भाई ने क्या कहा, देख लीजिए। जी गाइस, आज ही सीजन 2 का आगाज होगा द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और आप लोगों के प्यारे सपोर्ट के बाद मैं गर्व के साथ कहता हूं कि स्टेट वॉरफेयर्स को पूरी तरीके से हरी झंडी दी है क्रिटिकल एक्स और गेम.टीवी ने, और इस बार होगा प्राइस पूल। जी गाइस, इस टूर्नामेंट में प्राइस पूल अनाउंस कर दिया गया है, और 16 नहीं बल्कि भारत की जितनी भी स्टेट्स है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी, वो सारी स्टेट्स, वो सारी यूनियन टेरिटरीज इस बार खेलेंगी। और गाइस, सबसे बड़ी बात, उन स्टेट्स को जो शिकायत थी छोटी मोटी की हमारे यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया, तो वहां से हम प्लेयर ला रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टैलेंट फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम लद्दाख, तेलंगाना, जितने भी स्टेट्स है, हम दादरा नगर हवेली तक से और कल गेमिंग ओरा ने अपने सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं किया, और इसके ऊपर उन्होंने अपने सेकंड चैनल पे ये कमेंट पोस्ट करते हुए कहा कि उनको कल अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके वजह से वो लाइव नहीं आए, पर जल्दी ही वो वापस आ जाएंगे। अगला न्यूज है कूलटेक गेमिंग के बारे में। तो कुछ दिनों से वो अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड कर नहीं रहे, और इसके ऊपर उन्होंने अपने चैनल पे कमेंट पोस्ट करते हुए कहा कि इन दिनों उनका हेल्थ इश्यू चल रहा है, जिसके वजह से वो वीडियो डाल नहीं पा रहे। तो इन दिनों उनका वीडियो ना आने का बस यही कारण है। और कल हमने एक न्यूज कवर किया था जिसमें लोकेश गेमर ने ये कहा था कि उनका आईडी सस्पेंड हो गया। तो इसी न्यूज वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्काई लॉर्ड ने कमेंट करके ये कहा कि वो लोकेश गेमर की इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उनको अगर ये प्रॉब्लम ठीक करना आता है तो ये काफी अच्छी बात है, और हम ये चाहेंगे कि वो इसमें लोकेश गेमर की मदद करे। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है। और कल स्काई लॉर्ड ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने मेनली क्लिकबेट के ऊपर बात किया, और जो क्रिएटर अच्छे ज्यादा और इम्पोसिबल चीजों को भी पॉसिबल करके अपने थंबनेल में दिखाते हैं, उन सभी को स्काई लॉर्ड ने रोस्ट किया। और कुछ यूट्यूबर ऐसे है जो अभी आए हुए एडवांस सर्वर के ऊपर क्लिकबेट करके ये दिखाते हैं हैकर इन एडवांस सर्वर। तो इन सभी को रोस्ट करते हुए इसके लॉर्ड ने क्या कहा, उसके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चले रे, पर ये वाला चमन चूतिया मुझे बहुत ही अनोखा दिखा। एडवांस सर्वर का सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। बेटी चोद प्रमोशनल वीडियो पे भी लाइव हैक चला दिया लॉन्डे ने। यार गरीना वाले, एकदम सही बात बता रहा हूं तुमको मैं। अगर मान के चलो 2 मिनट को फ्री फायर मेरी गेम होती ना, भाई जो ये बकचोदी कर रहे हैं ना, इनकी मैं गांड मार लिया होता। तुमको पता है एक बात, एडवांस सर्वर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही, और इन भुसड़े वालों को मिलता है प्रमोशन करने के लिए, और ये बेटी चोद उसमें हैक दिखाते हैं। मतलब जो डिजर्विंग लोग हैं वो रो रहे हैं भुसड़े के बैठ के, और इन कुत्तों को अगर घी मिल रहा है तो इन कुत्तों से वो घी हजम ही नहीं हो रहा है। और किसी महापुरुष ने एकदम सत्य कहावत कही थी, कुत्तों को भी घी हजम नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ, ऐसा कोई चूतिया पकड़ रहे ना उसकी गांड मार लो भाई, गेम के खिलाफ है सब। मतलब जहाँ पर हैकर नहीं है ना, वहाँ बिना मतलब में हैकर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट एडवांस सर्वर तो छोड़ दो।
अगला न्यूज है सिप गेमिंग के बारे में। तो परसों को उन्होंने FFCS के फाइनल के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर करते हुए कहा, थैंक्स और इंडियन टीम फॉर 8th पोजीशन पे आने के लिए, और उसके नीचे लिखा था, और कुछ नहीं बोलूंगा वरना कुछ बी वाले कंटेंट के लिए ही घूमते रहते हैं, वैसे देख ले एक वीडियो तो इतने में ही बन सकती है तेरी। तो ये सब बात वो किसको पॉइंट करके बोल रहे थे इसके बारे में उन्होंने किसका नाम मेंशन नहीं किया। और फेम क्लेश ने जोन को रोस्ट किया था उसको, लेकिन दोनों के बीच कल इंस्टा पे बहस हुआ। तो उसी चैट मैसेज को सिप गेमिंग ने अपने इंस्टा पे शेयर करते हुए लिखा, इतनी भी ट्राई करे कि ये कंट्रोवर्सी और ये ज्ञान सीधे लोगों को इग्नोर करे, बट इनके जीव में अलग टाइप की ही खुजली रहती है। और इसी स्टोरी को फेम क्लेश ने अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा, ये बंदा यूट्यूबर ही है ना। तो अभी देखते हैं इन दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है वो कब तक ठीक होता है। बात करते हैं जोंटी गेमिंग के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा था कि वो एक न्यूज देंगे अपने टीम को चेंज करने को लेके, पर कल उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि वो इसके बारे में अपने अगले ब्लॉग में अच्छे से बताएंगे। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था देख लीजिए। कुछ ऐसा है कि हमारी जो टीम है सीएरएक्स एलीट, इसमें कुछ चेंज होने वाला है। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा कि क्या चेंज होने वाला है, लेकिन कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। एंड इसका व्लॉग शायद मैं 1-2 दिन में डालूंगा, तो आप देखना। थोड़ा सा बैड न्यूज है, बस ये बता सकता हूँ कि हमारी टीम जो है थोड़ा सा कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ हुआ है, तो शायद कुछ चेंज हो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, तो आप नेक्स्ट व्लॉग देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इसमें उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा कि क्या हुआ था, पर टीएजी किलर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया था और उसमें लिखा था, गाइस डोंट आस्क सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हमने सीरेक छोड़ा है, टीम का नेम इलीट ही रहेगा, टीम का नेम डोंट वरी। और क्रिटिकलेक्स ने अपने इंस्टा पे ये पोस्ट शेयर किया और इसमें सीरेक्स इलीट के सभी प्लेयर थे और ऊपर लिखा था फेयरवेल। तो इन सबको देख के ये पता चलता है कि अब से जोंटी गेमिंग की टीम सीरेक्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो लगता है जोंटी गेमिंग इसके बारे में अपने आने वाले ब्लॉग वीडियो में बताएंगे, भी देखते हैं इसके आगे क्या होता है। और शायद 19 दिसंबर को गेम में कुछ नया चीज आ सकता है। और इसके ऊपर डीसी गेमर्स ने कहा कि ये कुछ सरप्राइज है। तो इसके ऊपर डीसी गेमर्स ने क्या कहा था देख लीजिए। 19 दिसंबर 2020 बी द लेजेंड, 19 तारीख को लेजेंड बन जाएंगे सारे लोग। ये 19 तारीख को ना गेम में कुछ नया आने वाला है, ऐसा नया मतलब कि मेरे को पता है क्या आने वाला है, मैं बाद में बताता हूं। वो सरप्राइज है ना, वो सरप्राइज है, बताने के लिए अलाउड नहीं किया है गाइस। बस सूत्रों से अरे जारा खान थैंक यू सो मच फॉर द 200 रुपीस सुपर चैट। तो आपको क्या लगता है गेम में क्या आ सकता है कमेंट करके बताइए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो केडी टैमिलियन गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर और गेमिंग विद हरी ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर्स, सो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। और गैस हमने हमारे सेकंड चैनल एआरजे ब्लॉग में एक और न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड किया है और इस ब्लॉग वीडियो में हमने पहली बार मोमो बनाया है। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये था आज का कुछ न्यूज और कुछ अचीवमेंट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।